इस वक्त की एक बड़ी खबर आप सभी दर्शकों को बता दें, जो यूपी के जनपद शामली सारी, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर डॉक्टरों की टीम द्वारा मस्जिद व मदरसा संचालकों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। आपको बता दें, शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेशानुसार डॉक्टरों की टीम द्वारा मस्जिद व मदरसा संचालकों के 25 लोगों के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि शामली डीएम जसजीत कौर के आदेश पर एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 25 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे थे। उसी के आधार पर डॉक्टरों द्वारा सभी लोगों को फोन पर कांधला से बुलाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने सभी लोगों के कोरोना टेस्ट किए, ताकि समय रहते ही कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। तो पूरा मामला जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर के आदेश पर डॉक्टरों की टीम द्वारा मस्जिद व मदरसा संचालकों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। मेरा नाम सैयद मजहर कासमी। पहली बात तो यहाँ कोई जमात का आदमी नहीं है, ये तो मदरसों के और मस्जिदों के जिम्मेदारान और इमाम हजरात हैं। और एसडीएम साहब की तरफ से ये जो है इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये जो है इनका टेस्ट होगा, तो हम लोगों को इत्तला मिली तो हम हाजिर हो गए हैं। और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग जो है खुद आकर के आगे बढ़ करके और क्या नाम जांच कराएं, ताकि आगे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। ये हमारा दायित्व है और फ़र्ज़ भी है। कहाँ कहाँ से लोग आए और कितने लोग हैं? ये कांधले ही से हैं अक्सर बेशतर, और तकरीबन 15 अफराद के करीब हैं फ़िलहाल, और 25 की लिस्ट है शायद। अच्छा अच्छा जी, टेस्ट हो गए? टेस्ट चल रहे हैं अभी, और भी होंगे जी। ये कोरोना वायरस के ताल्लुक से टेस्ट किया जा रहा है जी। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम जी, क्या मामला है, किस चीज़ के टेस्ट कराए जा रहे हैं यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं? डॉक्टर्स के यहाँ से फ़ोन आया था, यहाँ से हॉस्पिटल में से, कि आपके लिस्ट है एक, उसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। घर पे फ़ोन पहुँचा था, उस फ़ोन की कॉल पे हम यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ कोरोना टेस्ट के ताल्लुक से कोरोना टेस्ट हो रहा है। कितने लोग? तकरीबन 25 लोगों की लिस्ट थी, जिसमें मेरा भी नाम था, और 15 के आसपास लोग आ गए हैं, बाकी को फ़ोन किया गया, कुछ फ़ोन बंद हैं, कुछ नहीं आ पाए। क्या नाम है सर आपका? एसडी गौतम। अच्छा, अभी आपने टेस्ट किए हैं कुछ लोगों के, क्या मामला था? ये कोरोना के लिए टेस्ट किया जा रही है। अच्छा अच्छा, कितने टेस्ट किए? 25 की लिस्ट थी, इनमें 10 के हो गए। अच्छा अच्छा, हाँ 15 को और बुला रहे। अच्छा, और ये कहाँ कहाँ के लोग थे कुछ पता है? ये कान लगे जो मस्जिदों में मौलवी हैं उन्हें थे। अच्छा, वे लोग थे। हाँ जी। कब तक आएंगे इनकी रिपोर्ट? इनकी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए News9 लाइव टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, Facebook पेज है News9 लाइव टीवी, Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल्स है @News9 लाइव टीवी।